नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गैर कानूनी रेता माइनिंग के मामले विच मुख्यमंत्री दे भतीजे भूपिंदर सिंह हनी नूं कीता गिरफ्तार। पंजाब विधानसभा चोणां लई नामजदगी परचे वापस लैण दे पहले दिन कल 33 नामजदगियां वापस लईआं गईआं। देश के 34 राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों विच कोविड लाख गिरावट दर्ज की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों विच भारतीय नागरिकों के हितों की राखी लई सरकार हर संभव कदम चुक रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने सूबा सरकारां नूं पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां तों वैट घट करन दी कीती अपील। हुण खबरां विस्थार नाल। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वड्डी कार्रवाई करदिआं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भतीजे भूपिंदर सिंह हानी नूं गैर कानूनी रेता माइनिंग दे मामले विच गिरफ्तार कर लिया है। साडे मोहाली तों पत्रकार ने दस्या कि हनी नूं अज मोहाली दी सीबीआई अदालत विच पेश कीता जावेगा। पेशी मगरों इस मामले च कई वड्डे खुलासे होण ते होर गिरफ्तारियां दी वी संभावना है। पंजाब असैम्बली चोणां लई नामजदगी पत्र वापस लैण दे कल पहले दिन 33 नामजदगी पत्र वापस लए गए। अज दुपहर 3 बजे तक नामजदगी पत्र वापस लए जा सकणगे। मुख चोण अधिकारी डॉ एस करना राजू ने दस्या कि सूबे की 117 असैम्बली हल्कियां लई कुल 2266 नामजदगी पत्र दाखिल किए गए सन, जिन्हां विचों 588 नामजदगी पत्र रद्द होण मगरों 1645 नामजदगी पत्र दुरुस्त पाए गए। भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब असैम्बली चोणां विच वध तों वध पोलिंग लई कई स्लोगन तैयार किए ने। इन्हां राहीं लोकां नूं अपने वोट दे हक की वरतों लई प्रेरित किया जा रहा है। अपना फर्ज अदा वतन परस्ती दा, अपना फर्ज अदा वतन परस्ती दा, प्यार जगा लै वतन परस्ती हक परस्ती दा, कुर्सीने नाल ला लै पूर्ब वल्ले वेख उजाला, हर थां भरिया लोकतंत्र दा हामी बन के वोट पाउण दा राह अपना ला। वतन परस्ती दा नवां उजाला, इस विच साड़ी शान, ए है साड़ी अणख आबरू, लोकतंत्र है महान, लंघ गया समा फिर हथ नहीं आवंदा, देश लई ओह मुढ़ला फर्ज निभावंदा, इस गल दी सब नूं सार है, वक्त सिर वोट पाउणी सब दा अधिकार है। वक्त अनमोल है जी, ते सांझे मिठे बोल है जी, ठहरन वक्त न जानदा, लंघ गया फिर कदे नहीं आवंदा, वक्त नूं पछाण लो जी, वोट पाउण दा अधिकार सब माण लो जी। दियो दवावां वसदे रसदे पिंडां शहरां नूं, बुढ़े ठेरे बापू मंगदे सत्ते खैरां नूं, बंद डब्बियां विच मोहरां ला ला बना लैणगे मन पाउंदियां सरकारां, दियो दवावां वसदे रसदे पिंडां शहरां। केंद्र सेहत मंत्रालय ने कहा कि देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड वायरस की दर में गिरावट आई है। सेहत मंत्रालय के ज्वाइंट सकत्तर लव अग्रवाल ने नवी दिल्ली में कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% योग लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की दर 96-99% के विचकार है। इस दौरान केरल और मिजोरम में कोविड लाग च वाधा दर्ज होया है। मंत्रालय ने कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है और कोविड वायरस के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। देश के 268 जिलों में लाग की दर 5% से घट है। दूजे पासे सिख्या मंत्रालय के ज्वाइंट सकत्तर ने कहा है कि देश के 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह नाल खुल गए ने। उन्होंने कहा कि स्कूलों मुड़ तो खोलन और विद्यार्थियों स्कूल बुलाने मापियां की सहमति जरूरी होगी।
स्कूलों नूं मुड़ खोलण लई जारी सोधे हुए दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषता का जिक्र करदिया उन्होंने कहा कि सूबा यह फैसला करनगे कि स्कूलों च शरीरिक क्लासा विच शामिल होने लई विद्यार्थियों के मापियां की सहमति की लोड़ होगी। खेडां ते होर समूहिक सरगर्मियां नूं राजां ते केंद्र शासित प्रदेशां च SOP दे तहत आग्या दित्ती जा सकती है। पंजाब विच कोरोना नाल 25 होर मौतां होईआं ने अते पिछले 24 घंटिआं दौरान 1514 नवें कोरोना मामले सामने आए ने। इस अरसे दौरान 3135 मरीजां ने कोरोना लाग तों मुक्ति हासल कीती है। पंजाब विच हुण तक 3,42,68,435 लाभपात्रियां नूं वख-वख उमर वर्ग तहत कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके ने। सरकार ने कहा है कि वह कोरोना महामारी तो प्रभावित खाड़ी देशों में काम कर रहे अपने नागरिकों के हितों की राखी लई हर संभव कोशिश कर रही है। राज्यसभा च एक सवाल के जवाब च विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप खाड़ी देशों के आगुआ नाल लगातार राबता कायम कर रहे ने। खाड़ी देशों में काम कर रहे लोगों की बकाया तनखा बारे उन्होंने कहा कि सरकार को अजिहा कोई अधिकारित आंकड़ा नहीं है कि किन्ने लोगों की तनखाह बाकी ने। उन्हें भी स्पष्ट किया है कि सरकार वालों प्रभावित लोगों दियां सारियां मुश्किलों के हल लई लोड़ींदे कदम चुके जा रहे ने। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सूबा सरकारां नूं अपील की है कि वह ईंधन दियां कीमतां तों वैट कटाउण तां जो पेट्रोल दियां कीमतां हेठां आ सकण। तेल दियां वध रहियां कीमतां दे मुद्दे ते लोकसभा च सवालां दा जवाब दिंदियां हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि डीजल अते पेट्रोल दियां कीमतां कौमांतरी कच्चे तेल दियां कीमतां ते निर्भर करदियां ने। उन्होंने कहा है कि 2014 तों 2021 दे दरमियान पेट्रोल अते डीजल दियां कीमतां विच सिर्फ 30% दा वाधा दर्ज होया है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पिछलियां सरकारां वल्लों पेट्रोल अते डीजल दियां कीमतां नूं कंट्रोल मुक्त कीता गया सी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय च केंद्र सरकार ने पेट्रोल दियां कीमतां च 5 रुपए अते डीजल दियां कीमतां च 10 रुपए की कटौती कीती है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा नूं दस्या है कि देश विच हुण तक 6 करोड़ पीण वाले पानी दे कनैक्शन दिते जा रहे ने। सदन विच पूरक सवालां दा जवाब दिंदियां शेखावत ने सूबा सरकारां नूं जिला ग्रामीण जल योजना लई संसद मैंबरां दी परवानगी लैण दी अपील कीती। उन्हां कहा कि संसद मैंबरां कोल इस संबंधी मंजूरी 15 दिनां दे अंदर लई जा सकदी है। केंद्रीय मंत्री ने कुझ सूबियां दियां सरकारां वल्लों जल जीवन मिशन प्रोजैक्टां नूं लागू करन विच अपनाई जा रही मठी रफ्तार ते भी निराशा प्रगटाई। दूजे पासे जल शक्ति राज मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंचायत पद्धर ते टूटी दे पानी दी गुणवत्ता दी जांच करन लई पिंड दियां तकरीबन 5 औरतां नूं पानी टेस्ट संबंधी सिखलाई दित्ती जावेगी। मंत्री ने सदन नूं दस्या है कि सोका प्रभावित अते पानी दी घाट वाले खेतरां विच टूटी दे पानी दी सप्लाई नूं यकीनी बनाउण जां घट वर्खां जां भरोसेयोग धरती हेठले पानी दे स्रोतां दी सांभ संभाल लई बल्क वाटर दी योजनाबंदी अते इस नूं लागू करन लई जल जीवन मिशन तहत प्रबंध कीते गए ने। उन्हां दस्या कि अजिहे उपराले महाराष्ट्र गुजरात बिहार अते राजस्थान विच पहलां तों ही कीते जा रहे ने। भारत बीजिंग विंटर ओलंपिक खेडां दे उद्घाटनी अते समाप्ति समागमां विच शामिल नहीं होवेगा। विदेश मंत्रालय वल्लों एक ट्वीट राही इस दी जानकारी दित्ती गई है। चीन सरकार ने गलवान घाटी विच भारतीय फौजियां नाल झड़प विच जख्मी होए अपने एक फौजी नूं ओलंपिक मिशाल धारक बनाया है। इस दे सख्त रुख अपनाउंदिआं भारत ने कूटनीतिक बायकॉट करन दा फैसला कीता है। विदेश मंत्रालय ने दस्सिआ है कि चीन वल्लों इन्हां खेडां नूं सियासी रंग देण दी कोशिश कीती जा रही है जिस कारण भारतीय टीम उद्घाटनी अते समाप्ति समागम च शामिल नहीं होवेगी। बीजिंग विंटर ओलंपिक अज तो 20 फरवरी तक करवाए जा रहे ने। जलंधर समेत पंजाब दे कई जिलों च अज सवेरे धुप निकलण नाल मौसम खुशगवार हो गया है। सूबे दे ज्यादातर हिस्सों विच कल रुक रुक के हुई हल्की तो दरमियानी बारिश हुई। मौसम माहिरां ने अज तो मौसम विच तब्दीली दी भविखवाणी करदिआं कहा सी कि मीह बंद होण तो बाद ठंड घटेगी अते धुंदा दा दौर भी खत्म होने की संभावना है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के माहिरां अनुसार फसलों लई यह बरसात काफ़ी कारगर साबित होगी। अजिहा मन्या जा रहा है कि हल्की तो दरमियानी बारिश नाल फसल नूं चंगा पानी मिलदा है। यह बारिश कणक अते सब्जियां लई चंगी मन्नी जा रही है। खबरां दी बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकदे ने।
इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं स्टूडियो तो मास्क लगा के बाहर जा रही हां ते तुसी वी करो, बाहर निकल लगे मास्क जरूर पहनो। दियो आ गया, नमस्कार।